जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वह श्रीनिवास रामानुजन की वीडियो है। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन थे और गणित दिवस जो मनाया जाता है वो इन्हीं के बर्थ डेट पे मनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की थी, इनका जीवन कैसा था और इन्होंने क्या क्या किया था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 22 दिसंबर 1887 में हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1920 को। मतलब आप देखेंगे कि 33 साल ही ये केवल जिए थे। और इनका विवाह हुआ था जानकी देवी से। और इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त की थी वो इन्होंने वैसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, ये मतलब 10वीं 11वीं में भी यह फेल हो गए थे। और लेकिन इन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रमेय लिखे थे कि उसके अकॉर्डिंग इनको कैम्ब्रिज में बुलाया गया था और वहाँ पर इनको बहुत इनका सम्मान किया गया। और वहाँ पर ही इन्होंने और आगे की जो शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने प्रोफेसर हार्डीज के साथ में मिलकर इन्होंने कार्य किया था। तो ये तो इनका डेट, जब ये जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी, इनका पूरा नाम, इनका विवाह किससे हुआ था और इन्होंने शिक्षा क्या हासिल की थी। इन्होंने ज़्यादा शिक्षा हासिल नहीं की थी, हम पढ़ेंगे आगे। तो जो राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है वो इन्हीं के नाम से मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस इनके नाम पे मनाया जाता है, तो इन्होंने क्या किया था, ऐसी क्या उपलब्धि हासिल की थी और इनका जीवन कैसा था। तो ये बहुत सामान्य से, जब इनका जन्म हुआ था तो ये 3 साल तक तो ये बोलते भी नहीं थे। तो इनकी मदर समझती थी कि इनको ये कभी बोलेंगे भी नहीं या फिर ये गूंगे हैं, ऐसा कुछ इनका अंदाज़ा लगाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल से जो बच्चे होते हैं उनसे भी ऐसा पिछड़ा हुआ बच्चे जो होते उस टाइप के थे। लेकिन नहीं, इन्होंने बहुत सारी उपलब्धि हासिल की। तो रामानुजन के द्वारा किए गए अधिकांश कार्य अभी भी ऐसे कार्य हैं जिनको वैज्ञानिकों के लिए अभी भी वो अबूझे, मतलब वो पहली के समान हैं। और वे सपने में भी गणित के ही प्रश्नों को हल किया करते थे, उनके सूत्रों को, उनके प्रमेय को, और वो आधी रात को भी नींद में भी जाकर वो वही किया करते थे। मतलब उनका गणित में इतना इंटरेस्ट था ना कि जब वो छोटी क्लास में भी थे ना, तब भी वो बड़ी बड़ी क्लासेस के सवाल को, सम्स को क्लियर कर लेते थे। और प्रमेय वो खुद, उनके जो सूत्र होते थे वो खुद उनको बना लेते थे और उनको ये सिखाना नहीं पड़ता था कि इसको इस तरह से करना है, वो खुद ही उन सूत्रों को कर लेते थे। तो इस तरह से इनमें एक प्रतिभा थी और इनका गणित में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और इन्होंने जो इसी के साथ में इनके क्वेश्चंस भी कुछ अलग अलग से होते थे। तो ये क्वेश्चंस जो क्लास में पूछते थे कि संसार का पहला पुरुष कौन था, या पृथ्वी और बादल के बीच की दूरी कितनी होती है, इस तरह के प्रश्न ये स्कूल में पूछा करते थे जो टीचर को अटपटे लगते थे। लेकिन इन्होंने इनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे जिनका ये जवाब पाना चाहते थे लेकिन वो जवाब नहीं मिलता था। तो ये इनका इंटरेस्ट जो था वो अधिक ज़्यादातर गणित में ही था। तो ये क्लास में जब सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे ना, तब ये सब दूसरे सब्जेक्ट में भी ये गणित ही पढ़ा करते थे और गणित के ही सवालों को सॉल्व किया करते थे। और जैसे मैंने बताया कि ये आधी रात में भी उठ के और गणित के सवालों को सॉल्व करने लग जाते, तो कुछ अजीब ही इनके साथ में ये किया करते थे। और जिस तरह से ये जो स्कूल के दौरान भी इन्होंने क्या करा था, कॉलेज लेवल की जो गणित होती थी वो भी इन्होंने पढ़ ली थी। और वे खोज कर सवालों को हल किया करते थे, नहीं मिलते तो वो खुद ही, मैंने बताया ना आपको कि वो खुद ही उन सवालों के क्या करते थे, हल जुटाने में लग जाते थे कि किस तरह से सवाल को क्लियर किया जाएगा। और इस तरह से उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई थी और इस वजह से उनको स्कॉलरशिप भी मिली थी। और आगे जो पढ़ाई करेंगे 10th के बाद, उसके लिए इनको स्कॉलरशिप मिली थी। बाकी विषयों में ये सामान्य थे, बाकी विषयों में इनका इंटरेस्ट नहीं था, केवल मैथ्स में ही इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैथ्स की वजह से ही इनको ये स्कॉलरशिप मिली थी। लेकिन जब ये 11th क्लास में आए थे तब इन्होंने केवल, इनका जो विशेष इंटरेस्ट था, मैंने आपको बताया कि इनका विशेष इंटरेस्ट मैथ्स में ही था, तो ये मैथ्स में ही आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने मैथ्स में ही
तो ये मैथ्स मैथ्स को ही ज़्यादा पढ़ते थे। जब मैथ्स को ज़्यादा पढ़ते थे तो दूसरे सब्जेक्टों में इनकी खास रुचि होती नहीं थी, और इस वजह से ये 11th में गणित को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्टों में फ़ेल हो जाते हैं। जब ये सारे सब्जेक्टों में फ़ेल हो जाते हैं तब इनकी स्कॉलरशिप भी बंद कर दी जाती है, और इनके घर की आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। जब ये पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते तो इनकी माँ को इनकी चिंता होती है और इनका विवाह कर दिया जाता है। तो इनका विवाह एक 9 वर्ष की लड़की जानकी देवी से कर दिया जाता है। वो बहुत ही समझदार लेडी होती है, लड़की होती है, और वो उनको हमेशा सपोर्ट करती है कि वो जो भी करना चाहे वो करे। लेकिन जो घर की आर्थिक स्थिति और उनका केवल फेल हो जाने की वजह से उनको और आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी उनकी बंद हो जाती है, और फिर उनको शादी के बाद उनको फिर कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ काम करें। तो वो क्लर्क की नौकरी करते हैं उनकी घर की स्थिति ख़राब होने की वजह से, और बहुत दुख उठाने के बाद भी वो घबराते नहीं हैं, और वो अपनी जो स्टडी है उसको वो जो मैथ्स के प्रमेय सॉल्व करना और मैथ्स के सूत्र बनाना वो सब वो करते रहते हैं, और उसी के साथ में वो उनका जॉब भी करते रहते हैं। तो उन्हें अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती। जब वहाँ पर उनका जो काम जो देखा जाता है और उनकी मैथ्स में जो सॉल्व करते हैं, उनके थीसिस वगैरह देखे जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जो होता है वो बोलता है कि आपके थीसिस जो है वो अमेरिका भेजे, कैम्ब्रिज भेजे, और वहाँ पर जो इन वो इनको अच्छे से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको इतना विशेष, क्योंकि गणित में ही वो उपलब्ध भी थी और इतना उन्होंने कुछ ऐसा विशेष किया नहीं था कि जिससे उनकी ख्याति बढ़ जाए। तो वो जो उनका जो पूरे थीसिस होते हैं, प्रमेज होते हैं, थ्योरीज होती है, वो कैम्ब्रिज भेजते हैं, वो वहाँ पर भेजते हैं, और वहाँ का जो जो गणित विशेषज्ञ है वो उनके द्वारा जो भेजे गए ये प्रमेज होते हैं उनसे बहुत वो अट्रैक्टिव होते हैं, और वो उनको वहाँ पर बुलाते हैं, लेकिन ये वहाँ जाने से मना कर देते हैं। और ये दिन रात जो कहे मैंने आपको बताया ना कि गणित के नए नए सूत्रों को लिखा करते हैं और उसे एक रजिस्टर में उतारते रहते हैं जिसे वे हमेशा अपने पास रखते हैं। तो ये जब इनको बुलाया जाता है तो ये एक बार तो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज से 100-150 साल पहले की बात है, और उस समय अभी भी वहाँ पर खाने के लिए जो हम खाना चाहते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वहाँ पर तो नॉनवेज ही खाते हैं सभी जने, तो वहाँ पर खाने की बहुत दिक्कत होती है, और खाने की दिक्कत होती है तो फिर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने वो नॉनवेज नहीं खा सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बार तो मना कर दिया कि नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ, मुझे अगर यहीं पर आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए तो वो करो। तो ऐसा तो संभव था नहीं, और उसके बाद में उनको ऐसा बताया जाता है कि उनको उनकी जो नामगिरी देवी थी वो रामानुज के परिवार की इष्ट देवी थी, और ऐसा कहते थे, रामानुज खुद कहते थे कि वो देवी की कृपा से ही वो सूत्रों को प्राप्त करते हैं। तो एक बार उनको सपने में देवी के दर्शन होते हैं, और देवी जो उनकी जो देवी होती है वो उनको सपने में कहती है कि आप कैम्ब्रिज जाओ। तो इस बात को फिर वो मान लेते हैं और वो कैम्ब्रिज चले जाते हैं, और वो जब कैम्ब्रिज जाते हैं तो वहाँ के विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डीज से रामानुज की तारीफ सुनकर उन्हें लंदन बुलाया, और प्रतिभा के पैमाने पर उन्हें रामानुज को जब उनके प्रतिभा को नापा गया तो उनको 100 में से 100 अंक दिए गए। दोनों की मित्रता हो जाती है, और दोनों की मित्रता गणित के क्षेत्र में बहुत सार्थक सिद्ध होती है। उनने उनको बहुत सारे प्रमेय दिए होते हैं, और जिसकी वजह से वो उनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं, और वहाँ पर किसी सोसाइटी का उन्हें अध्यक्ष बना दिया, वहाँ पर ही उनकी इश्यूज़ मिल जाती है। लेकिन वो वहाँ पर उनकी तबीयत जो होती है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, क्योंकि वहाँ का जो खान पान होता है वो अच्छा नहीं होता है। वो वहाँ से लेटर भी लिखते हैं, उनकी पत्नी को बुलाते, लेकिन उनकी मदर उनको नहीं भेजती है। उनके द्वारा जो लिखे गए जो प्रमेय हैं वो करीब 3,884 प्रमेय का संकलन उनका किया गया है ऐसा बताया जाता है। और उनको जब वहाँ पर उनकी वाइफ को वो बुलाते हैं तो उनकी मदर भी मना कर देती है, और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है,
और एक बार तो ऐसी कंडीशन होती है कि वो एक रेल की पटरी के सामने जाकर और खड़े हो जाते हैं, तब उनको बड़ी मुश्किल से बचाया जाता है और उसके बाद में वो उन्हें तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उन्हें वापस लौटने के लिए कहा जाता है। तो वो वापस भारत आ जाते हैं और भारत आने के बाद में उनकी स्थिति में धीरे धीरे उनकी जो तबीयत होती है वो बिगड़ती रहती है, लेकिन वो फिर भी जो उनके प्रमेय है वो लिखते रहते हैं, गणित के थीसेस है वो कंप्लीट वो लिखते ही रहते हैं और लास्ट तक भी वो लिखते रहते हैं। और उसके बाद में जो है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और जब वो 33 साल के थे जब उनकी मृत्यु हो जाती है, और जब वो 33 ईयर ओल्ड होते हैं तब 26 अप्रैल 1920 को अल्पायु में ही उनका निधन हो जाता है। और आज अगर वो इस समय होते, मतलब उस समय से अगर वो 33 साल और वो अपनी यदि पूरी जीवन जीते तो वो हमारे गणित के लिए कितना कुछ मतलब करके जाते हैं, और कितनी जो आपको जो गणित बहुत टफ लगती है उसको और कितना इजी करके जाते हैं उन सूत्रों के द्वारा। लेकिन नहीं, उनकी आयु बहुत कम होती है और वो कम उम्र में ही चले जाते हैं। तो ये श्रीनिवास रामानुजन का जीवनी थी जिसमें उनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। तो आपने देखा कि इतने संघर्षों के बाद भी रामानुजन ने अपनी जो हार्ड वर्क था उसे छोड़ा नहीं और अपनी जो उपलब्धि थी उसको हासिल की। तो वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।